Sponsored by Mohan Motors. Buy, sell, exchange, finance and insurance. सर्वश्रेष्ठ गांवों के लिए केंद्र सरकार से तेलंगाना को मिला राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार। तेलंगाना देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां हर गांव में एक नर्सरी, पार्क, वैकुंठ धाम, ट्रैक्टर ट्रोली, सड़कें, ड्रेन, हर घर के सामने पेड़ और हर घर में स्वच्छ ताजे पानी के लिए पानी का नल कनेक्शन है। आईटी और नगर मंत्री के तारका राम राव ने कहा, क्या आप भारत के किसी अन्य राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा विकास देख पाए हैं? उन्होंने विपक्ष को चुनौती दी। देश में 20 तक ऐसे राज्य हैं जहां विपक्ष की पार्टियां शासन कर रही हैं। क्या उनमें से कोई भी तेलंगाना के ग्रामीण क्षेत्रों की तरह ऐसा विकास देख पाते हैं? उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के ग्रामीण विकास कार्यक्रम के माध्यम से अब तक गांवों के विकास के लिए 14,235 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। राजेंद्र नगर कृषि विश्वविद्यालय सभागार में शुक्रवार को पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग के तत्वाधान में मंत्री केटीआर एर्राबेली, दयाकर राव और सीएच मल्ला रेड्डी ने राज्य स्तर पर सर्वश्रेष्ठ पंचायतों को पुरस्कार प्रदान किए। 47 ग्राम पंचायतों ने पुरस्कार जीते। इस अवसर पर मंत्रियों ने ग्रामीण विकास पर एक पुस्तक का विमोचन किया। मंत्री केटीआर ने कहा कि तेलंगाना में सभी क्षेत्रों में समान रूप से प्रगति हो रही है, उद्योग आ रहे हैं, पर्यावरण अच्छा है, शहरी प्रगति और ग्रामीण प्रगति हो रही है, सब कुछ संतुलित हो रहा है, प्रदेश में विकास हो रहा है, कल्याण भी अच्छा होता है, कृषि का विस्तार भी हो पा रहा है, आईटी निर्यात भी बढ़ रहा है, इतनी संतुलित अर्थव्यवस्था है कि 9 साल में चमत्कार हुआ। ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि प्रधानमंत्री मोदी को ना चाहते हुए भी पुरस्कार देना पड़ रहा है। मंत्री केटीआर ने कहा कि सरपंचों, ग्राम सचिवों, एमपीपी, जेडपीटीसी सदस्यों और एमपीटीसी सदस्यों के सामूहिक प्रयासों और सहयोग से गांव विकसित हुए हैं और देश के लिए एक उदाहरण बन गए। उन्होंने कहा कि तेलंगाना को अब तक 79 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, रूबर्न में हम देश में दूसरे नंबर पर हैं। उन्होंने कहा कि सभी देश के शीर्ष 20 गांवों में से 19 तेलंगाना के हैं। ग्रामीण विकास और नरेगा के तहत 1300 करोड़ रुपए की धनराशि तुरंत जारी करने की घोषणा की गई। तेलंगाना निजामाबाद, नव भारत समाचार से जुगल पांडे की रिपोर्ट।